मैंने थाना और डीएम साहब को लिखित दिए थे डीओ साहब के, उसके बाद फोर्स की व्यवस्था की गई थी जिसके बाद हम वहाँ काम किए थे। लगभग 20 लाख का 10 नंबर वार्ड में काम हो चुका है। उन लोग बदनाम करने के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं किया जाए, और कुछ बिचौलियों को पैसा देकर इस तरह से खड़ा किया जा रहा है, केंद्राबाद में पैसा लिया गया वगैरह वगैरह, लेकिन सच्चाई इसमें 1% भी नहीं है। देखा गया सर कि आपके पंचायत क्षेत्र में एक मीडिया कर्मी आए और ग्राउंड रिपोर्ट उठा रहे थे, उसमें आप पे क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 के जनता ने आरोप लगाए कि इंदिरावास में 10,000 रुपया लिए, आपने उनको नहीं दिया, रोड का काम जो है कि अभी भी मिट्टीकरण है, 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कई जनता ने इस तरह का बात बोले, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आए और इसके विषय में जानकारी लेने के लिए। दरअसल बात है कि हमारे विपक्षी लोग हार के भय से हताश हो चुके हैं और अपने जीत के लिए तरह तरह के धार्मिक जो है हथकंडा उठा रहे हैं कि किसी तरह से इनको बदनाम किया जाए, और कुछ बिचौलियों को पैसा देकर इस तरह से खड़ा किया जा रहा है, केंद्राबाद में पैसा लिया गया वगैरह वगैरह, लेकिन सच्चाई इसमें 1% भी नहीं है। उन लोग बदनाम करने के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं, और ऐसा धरातल पर कुछ नहीं है। मैंने पता किया ग्राउंड पर कि उन लोगों को पैसा देकर उनको बुलवाया गया था मीडिया के सामने। दूसरी चीज जो रोड की बात की जा रही है, 10 नंबर रोड बनाने की मैंने भरसक कोशिश की, लेकिन वह जमीन रहती ज़मीन है, और आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायत में रहती ज़मीन में आप किसी से बिना इजाज़त का ज़बरदस्ती रोड नहीं बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में जमीनदाताओं से मैंने लिखित मांगा तो उन्होंने देने से इनकार किया। उसमें नियम है, या तो आप गवर्नर के नाम से उस ज़मीन का रजिस्ट्री कीजिए, और नहीं तो जो इनकी भूमि है वे लिखित देंगे कि हमें कोई इसमें इतराज़ नहीं है, तभी आप रोड बना सकते हैं। वहीं सर ये भी मालूम चल रहा है कि वार्ड नंबर 10 में आपने विकास मत का भी कार्यक्रम है, और मीडिया कर्मी जाके वहाँ से खबर चला रहे हैं कि कुछ नगर बाईपास से विकास का काम निकल गया है। सर 10 नंबर वार्ड में लगभग मैंने 20 लाख का काम किया था, जिसमें लोगों का बहुत विरोध भी हुई थी। मैंने थाना और डीएम साहब को लिखित दिए थे डीओ साहब के, उसके बाद फोर्स की व्यवस्था की गई थी जिसके बाद हम वहाँ काम किए थे। लगभग 20 लाख का 10 नंबर वार्ड में काम हो चुका है, और मैं प्रयत्नशील हूँ कि वहाँ काम हो, लेकिन लोगों जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, वो गलत है और तर्कसंगत नहीं है। सर सवाल उठे हैं कि नल जल आपके पंचायत क्षेत्र में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सर मैं बार बार लिख के दे रहा हूँ वीडियो साहब, DDC, DM, मुख्यमंत्री, HDO साहब के, कि नल जल का कार्य हमारे यहाँ PAD के द्वारा की जा रही है, न कि पंचायत के कोई प्रतिनिधि के द्वारा की जा रही है। ऐसी स्थिति में बार बार लिखने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। नल जल मैं भी लिख रहा हूँ कि सही रूप से अभी तक नहीं पहुँचा है, इसकी जिम्मेवारी पंचायत के प्रतिनिधियों पर नहीं, ये हमारे सरकार के जो प्रतिनिधि जो जिसको टेंडर दी गई है उस पर है। ये काम PAD के द्वारा की जा रही है, ना कि पंचायत के द्वारा की जा रही है, इसलिए इसमें मुखिया या वार्ड मेंबर कोई दोषी नहीं है। ये गलत अफवाह उड़ाया जा रहा है कि मुखिया द्वारा नल जल का काम सही रूप से नहीं किया गया है। इसकी सारी जिम्मेवारी हमारी जो सरकार है उस पर है कि सरकार के द्वारा जो PAD को कार्य दिया गया वो काम नहीं किए, इसलिए PAD विभाग पर कार्रवाई की जाए, न कि मुखिया इसके लिए दोषी है। मैं अभी मुगलपुरा पंचायत का वर्तमान मुखिया हूं, और ऐसे में जदयू के भी प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। नाम मेरा प्रेम प्रकाश हो गया उर्फ बबलू सिंह।